सचिन भिवानी अपने आप में कुख्यात गैंगस्टर है, जिसका नाम जो है लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है एक मेंबर है, और ऐसे में करनाल में सचिन भिवानी गैंग का एक गुर्गा गिरफ्तार किया जाता है। 5 अवैध पिस्तौल और 18 जिंदा रौंद के साथ, जिंदा कारतूसों के साथ नमस्ते चौक सेक्टर 4 के पास से उसे गिरफ्तार किया गया है। करनाल पुलिस की मुस्तैदी के कारण उसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि सचिन भिवानी गैंग का गुर्गा जो संदीप बब्बर बताया जाता है, जो गांव पटौदी थाना तो शाम भिवानी का रहने वाला है, और वहां से जो है ये सामान लेकर करनाल पहुंचा था। यहां पर किसको सप्लाई करना था, हालांकि ये समझने वाली बात है, क्योंकि करनाल में जो लगातार गोलीकांड है वो सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले ही करनाल के झंझाड़ी गाँव में एक गोलीकांड हुआ था, उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। और अब फिर से आपको बता दें कि सचिन भिवानी गैंग का ये गुर्गा संदीप बब्बल जो है भिवानी से ये सामान लेकर आता है, और उसके अंदर एक बैग के अंदर बताया जा रहा है कि 5 अवैध पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस सहित एक लैपटॉप भी उससे बरामद किया गया। हालांकि करनाल की CIA1 की जो टीम है उनको मुखबरी से जो है जानकारी मिली थी कि करनाल में जो सचिन भिवानी गैंग का ये गुर्गा है वो पहुंचा हुआ है, और सामान जो है वो इस वक्त नमस्ते चौक पर मौजूद है, और वहां से जो कुछ अवैध हथियार वो लेकर आया है वो यहां से आगे किसी को सप्लाई करने वाला, ऐसी जानकारी मिली थी। जैसे ही टीम वहां पर पहुंचती है तो वहां से जो है जो सचिन भिवानी गैंग का ये गुर्गा संदीप बब्बल बताया जाता है वो भागने लगता है, तो चारों तरफ से घेराबंदी कर CIA1 की टीम ने बब्बल पर काबू पा लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। क्योंकि आपको बता दें कि जो ये हथियार वो लेकर आया था, इन सब के लिए जो बातचीत का जरिया अपनाया गया वो सिग्नल ऐप थी, जिसका ताल्लुक आप समझ सकते हैं कि तिहाड़ जेल से है। वहां पर बैठे बड़े बड़े गैंगस्टर जो है इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए, बाहर अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने गुर्गों तक अपनी जानकारी पहुंचाने के लिए। ऐसे में आपको बता दें, जो जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि सचिन भिवानी जो गैंगस्टर इस वक्त राजस्थान जेल में है, और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में वो नामजद है, और उस गैंग का गुर्गा है ये संदीप बब्बल, जो करनाल से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल CIA1 की टीम ने 2 दिनों के रिमांड पर लिया है, कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो ये बड़ी घटना है, क्योंकि 5 जो अवैध पिस्तौल है और 18 जिंदा कारतूस सहित एक लैपटॉप भी उससे बरामद हुआ, और हालांकि बताया ये जा रहा है किसी अनजान व्यक्ति से भिवानी से वो लेकर आया, और सिग्नल ऐप से जो है उसने ये बातचीत उसके साथ की, और यहाँ पर भी जिससे बातचीत हो रही है शायद वो सिग्नल ऐप के जरिए हो रही थी, और जिसको सामान पहुँचाना वो उसे जानता भी ना हो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो गैंगस्टर सचिन भिवानी है वो शायद करनाल में किसी बड़ी घटना को अंजाम जो है अपने गुर्गों के माध्यम से करवाने वाला था, लेकिन करनाल पुलिस की मुस्तैदी ने उस पर रोक लगाई है। करनाल की CIA1 की टीम ने फिलहाल जो है संदीप बब्बल को गिरफ्तार कर लिया है, वो भिवानी का रहने वाला है, गांव पटौदी बताया जाता है, थाना तो शाम लगता है, वहां से ही यहां पहुंचा था, उसके पास एक बैग बताया जा रहा था जिसके अंदर ये सब कुछ सामान था, और फिलहाल इस सब सामान को बरामद किया है और उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो सचिन भिवानी है उसके ताल्लुक सीधा तौर पर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बताया जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक बड़े गैंगस्टर्स का गैंग का जो है ये सदस्य है, गुर्गा है, और वो करनाल में जो है ये 5 पिस्तौल अवैध पिस्तौल हैं, और इसके साथ साथ 18 जिंदा रौंद जो अभी चले नहीं थे कारतूस वो बरामद किए गए, एक लैपटॉप बरामद किए गए। और ऐसे में आप लोगों से अपील है कि करनाल पुलिस जिस तरीके से मुस्तैद है, कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को उन्होंने होने से रोका है, क्योंकि करनाल में कई बड़ी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि छोटी बड़ी घटनाएं तो ज़रूर होती रहती हैं, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो किसी के घर पर जो है बड़े बड़े ज्वेलर्स के घर से चोरी हो जाना हो, चाहे उसके साथ साथ जो है चाकू चल जाना, मर्डर जैसी घटनाएँ हो, लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर्स की घटनाएँ है वो भी सामने आती रहती है। हाल ही के दिनों में आपने देखा था कि जो झंझाड़ी कांड हुआ, करनाल के झंझाड़ी कांड जो अंजनथली मामले से जुड़ा हुआ कांड है वो सामने आया था, और आप समझ सकते हैं कि उसमें भी जो है किस तरीके से पुलिस ने लगातार काम करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे में जो है किसी बड़ी घटना से पहले जो है इस गुर्गे की गिरफ्तारी हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। अपील आप लोगों से है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर से आपको बता दें कि संदीप बब्बल, जिस
जिसके पास से 5 जो है अवैध पिस्तौल सहित 18 जिंदा कारतूस, एक लैपटॉप जो है बरामद किया गया है। करनाल के ही सेक्टर 4 से उसे गिरफ्तार किया है, घेराबंदी कर CIA 1 की टीम ने उसे दबोचा है। 2 दिन के रिमांड पर उसे लिया गया है। कल जो है ये 9:30 बजे की घटना बताई जा रही है जब उसको गिरफ्तार किया जाता है। अपील आप लोगों से है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती नाना सोगी अमन गौर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।